हमसे ना हो पाएगा। हम बहुत कोशिश करते हैं, हम अच्छी खबरें दिखाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ लोग आकर के सब गुड़ गोबर कर देते हैं। अब इस बार भी ऐसा ही हुआ। जिन डॉक्टरों पर जिम्मा है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, धरती के भगवान कहे जाते हैं, कोरोना में निस्संदेह इनका जो योगदान है वो और कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन इससे इनके बुरे काम छिप तो नहीं जाएंगे। अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिखाएगा कि भाई ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमको कोरोना थोड़ी होगा, कोरोना सिर्फ आप लोगों को होता है। सार्वजनिक होली पर प्रतिबंध है, साफ साफ प्रतिबंध है, तेज आवाज में म्यूजिक बजाने पर प्रतिबंध है, साफ साफ प्रतिबंध है, सार्वजनिक तौर पर शराब की दावत उड़ाने पर प्रतिबंध है, साफ साफ तौर पर प्रतिबंध है। लेकिन निदेशक हुजूर, रिम्स में ही ये सब हो रहा है और आपके नाक के नीचे ये सब हुआ है और आपके जूनियर डॉक्टर्स ने ये किया है। एक तरफ जूनियर डॉक्टर्स के गुरुजी कह रहे हैं कि भाई मास्क पहनिए, दो गज दूरी जरूरी है, लेकिन जो रिम्स से अब हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं सारा सारा रा 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 हो गया है। आप देखिए ये रिपोर्ट, रिम्स से एक्सक्लूसिव है, दिखाइए। ये गुरुजी हैं, ये चेला लोग हैं, और ये इनकी होली हो रही है। देखिए मस्ती मस्ती में तो भूल ही गए। इस होली से बाहर निकलकर कोरोना का ज्ञान देना है। सोशल डिस्टेंसिंग वाला पाठ भी पढ़ाना है। मास्क पहनने का निवेदन भी करना है। लेकिन ये सब सिर्फ हमारे और आपके लिए। ये होली मनाने वाले ये डॉक्टर बाबू लोग हैं। होली रिम्स परिसर में मन रही है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में धत सोशल डिस्टेंस, धत मास्क, धत कोरोना। ये डॉक्टर लोग को थोड़ी होगा, ये सिर्फ आम लोगों को होता है। अच्छा खैर, ये तो चेला लोग थे, अब गुरुजी का ज्ञान सुन लीजिए। यही कहना चाहूंगा कि होली के दिन वो किसी तरह का नशापान नहीं करें। होली के दिन वो कोशिश करें कि कम से कम संख्या में भीड़ में रहें, ज़्यादा भीड़ में नहीं रहें, और रंग डालने का भी जो काम है वो काफ़ी नज़दीक से नहीं करें, और मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क और सैनिटाइजेशन बहुत। अब गुरुजी के बाद सवाल उठता है कि क्या नियम कानून के दायरे में जूनियर डॉक्टर नहीं आते? लाउड म्यूजिक बजा, प्रशासन कहां था? सार्वजनिक होली मनी, प्रशासन कहां था? रेन डांस चल रहा था, प्रशासन कहां था? डीजे की इजाजत किससे ली गई? और इतना सब कुछ चल रहा था, निदेशक हुजूर कहां थे? तो नियम कानून खाली हमारे जैसे आम लोगों के लिए ही है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो देखिए भैया, बात बोलूंगा, साफ साफ बोलूंगा और एकदम खरा खरा बोलूंगा कि कोरोना सिर्फ हम जैसों को होता है। सत्यव्रत, क्या इनको कोरोना नहीं होगा? कोरोना सिर्फ हमें होगा? मेरी आवाज पहुंच रही है सत्यव्रत आप तक? क्या कोरोना सिर्फ, अभी से एक सवाल दोहरा है अपना, क्या कोरोना सिर्फ हमें होगा, इन्हें नहीं होगा? नहीं देखिए, बिल्कुल आज जो कार्यक्रम का आयोजन रिम्स परिसर में किया गया था उसको देखकर तो यही कहा जा सकता है अभिषेक
कि इन डॉक्टरों को कोरोना नहीं होगा, हो सकता है यह कोरोना हमारे लिए है या फिर आम लोगों के लिए है, आपके लिए है, लेकिन इन जैसे चिकित्सकों के लिए यह कोरोना नहीं है। या फिर ये कहें कि इन जैसे चिकित्सकों के लिए कोरोना एकमात्र विषय हो गया है, एक पाठ हो गया है जो आम लोगों को पढ़ाना है, यानी कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए। रिम्स अगर आप जाएंगे, ओपीडी विभाग जाएंगे, मरीज के लेकर जाएंगे कि डॉक्टर साहब से कोई डॉक्टरी सलाह ले लेते हैं, तो वैसे में यही डॉक्टर साहब आपको कहेंगे कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़े दूर में खड़े रहिए, आप लोग किनारे हो जाइए। यानी कि वो कोरोना जो है वो आम लोगों के लिए है, उन मरीजों के लिए है, उन परेशान लोगों के लिए है जो रिम्स आते हैं। लेकिन रिम्स के ये जो डॉक्टर बाबू हैं, जो कि बायोलॉजी में, अंग्रेजी में लिखी हुई बायोलॉजी की मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, उन्हें शायद यह कोरोना नहीं होता है, क्योंकि जिस तरह का तस्वीर देखने को मिला रिम्स में, बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आप सोचिए कि विधानसभा जैसे बड़े हाउस, यानी कि राज्य के सबसे बड़े हाउस में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम नहीं मनाया कोरोना के संक्रमण को देखते हुए, लेकिन रिम्स परिसर में जो कानून व्यवस्था है वो शायद यह रिम्स के जूनियर चिकित्सक ही चलाते हैं, क्योंकि कई घंटों तक अभी भी जो है वो डीजे नाइट पार्टी चल रहा है, रेन वाटर जो है वो डांस की व्यवस्था की गई है, और लगातार जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं रिम्स के जूनियर डॉक्टर वो डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं, जो वहाँ स्टॉल लगाया गया है, चाय पकौड़ा और कई तरह की चीज़ें जो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बिना वो लिए हुए इस तरह की डांस की तस्वीर शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इन सभी चीज़ों का आयोजन करने से पहले रिम्स परिसर में बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे ताकि जो है वो लोग आए, लेकिन देखिए ना ही इस पूरे बात की जानकारी रिम्स प्रबंधन को है, ना ही स्थानीय वरियातू थाने के किसी सदस्य को है। यानी कि इतना बड़ा होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है, कोरोना के गाइडलाइन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, वो भी धज्जियाँ वो उड़ाते हैं जिन्हें कोरोना के इस गाइडलाइन का पालन करना है और साथ ही दूसरों से पालन करवाना है, वो जब इस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जी उड़ा रहे हैं, तो शायद यह कहना गलत नहीं होगा अभिषेक कि कोरोना हमें हो सकता है, आपको हो सकता है, आम लोगों को हो सकता है, लेकिन इन डॉक्टर बाबू को नहीं हो सकता है अभिषेक। बिल्कुल। और सत्यव्रत, एक एक सवाल मेरा ये है कि हमारे जो निदेशक हुजूर हैं वो कहते हैं कि भाई हम मीडिया वाले जो हैं वो रिम्स की छवि को खराब कर रहे हैं, इस रिम्स की छवि को हम ही लोग बेहतर बनाएंगे। अब भाई अच्छा काम करेंगे तो हम तो अच्छा दिखाएंगे, लेकिन जब काम ऐसे होंगे और उनकी नाक के नीचे होंगे तो सवाल भी तो हम उठाएंगे ही ना, या वो ये चाहते हैं कि ऐसी खबरों को हम दिखाएं ही नहीं, सिर्फ हम बड़ाई करते रहें, हमसे तो ना हो पाएगा सत्यव्रत। तो देखिए ना ना, आपसे नहीं अभिषेक और हमसे भी ना हो पाएगा, क्योंकि देखिए रिम्स की हर उपलब्धि हम दिखाते हैं, आपको पता होगा कल ही हमने यही प्राइम टाइम विशेष समय में दिखाया था कि किस तरह से रिम्स प्रबंधन ने एक पहाड़िया जनजाति की बच्ची जिसकी मौत हो गई थी रिम्स में इलाज के दौरान, उसे निशुल्क एम्बुलेंस उपलब्ध कराया था, रिम्स के एम्बुलेंस चालकों ने उसे भोजन खिलाया, निजी एम्बुलेंस चालकों ने पैसे चंदा जमा कर उस परिवार वालों को दिया, ये उपलब्धि थी, काफ़ी अच्छी तस्वीर थी, रिम्स की खुशी देखने को मिली और हमने दिखाया। आज से दो दिनों पहले रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 लाख से ज़्यादा कोरोना के सैंपल की जाँच की, रिम्स में आज से 1 साल पहले RT-PCR मशीन लगाया गया था जिसका 1 साल हुआ, और उस मौके पर रिम्स के हुजूर यानी रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद भी पहुंचे थे और वो उपलब्धि हमने दिखाई। यह हमारा कर्तव्य है कि रिम्स में की हर उपलब्धि हम दिखाएंगे, क्योंकि रिम्स अपने राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, हमारा अस्पताल है। लेकिन अगर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेगी, इस तरह की होली मनाई जाएंगी, वो भी कोरोना के इस काल में, होली से हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है, होली बड़ा त्यौहार है, हर किसी को मनाना चाहिए, लेकिन शायद ये समय उचित नहीं है अभिषेक। कोरोना की जो महामारी लगातार राज्य में पैर पसारती जा रही है, वैसे में अगर इस तरह की होली रिम्स में मनाई जाएगी, रिम्स के डॉक्टर मनाएंगे, तो निदेशक साहब शायद हमसे ना हो पाएगा, हम तो ये तस्वीर दिखाएंगे, उपलब्धि भी दिखाएंगे अभिषेक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है सत्यव्रत, देखिए कि जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बहुत सारे जूनियर्स डॉक्टर्स जो हैं उनको ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन समाज के प्रति उनकी एक जिम्मेदारी है, हम उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। हमारा कतई मकसद नहीं है कि हम उन्हें बदनाम करें, आप इंजॉय कीजिए, आपके इंजॉयमेंट चूंकि आपका इतना प्रेशर भरा काम है कि आप अगर इंजॉय नहीं करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे,
आपका एंजॉयमेंट बनता है, लेकिन आपके ऊपर अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस कोरोना काल में आपने फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका निभाई और मैं उसके लिए, मैं क्या पूरा समाज, पूरा विश्व आपके सामने नतमस्तक है। मैं अभी भी सर झुका करके और आपके इस सहयोग को प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन जो चीज गलत है सर, उसको तो हम गलत कहेंगे। हम अपना धर्म निभा रहे हैं, आपने ये गलत किया है। पूरे समाज को आपको संदेश देना था कि भाई होली दूर दूर से मनाइए। कई जूनियर डॉक्टर्स नाराज हो रहे होंगे सत्यव्रत, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, हम वैसे कोरोना योद्धाओं का सम्मान करते हैं। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर जहां अभी भी करीब 60 से 70 ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिन्हें आम लोगों को, अगर उन लोगों को जिन्हें कोरोना के संक्रमण का डर नहीं लग रहा है, तो वैसे लोग एक बार मास्क पहनकर हाथों में सैनिटाइजर लेकर रिम्स के ट्रॉमा सेंटर चले जाएं, और वहां जो 50 से 60 कोरोना के पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं, जिनमें आधे से ज्यादा मरीज जो है वो गंभीर रूप से बीमार है, यानी कि हाई फ्लो ऑक्सीजन और जीवन रक्षक यंत्रों के सहारे उनकी सांस चल रही है, वो एक बार रिम्स के ट्रॉमा सेंटर से घूम के चले आए, तब उन्हें शायद यह पता चल जाएगा कि कोरोना का संक्रमण क्या होता है। हम उन डॉक्टर जो कि लगातार कोरोना के योद्धा थे, उनकी तस्वीर दिखाई। रिम्स के ट्रामा सेंटर आप जाएंगे, डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, उनकी टीम लगातार, उन्हें भी होली मनाना है, उनके भी घर परिवार में लोग हैं, उनके लिए भी होली का महात्यौहार है, लेकिन वो अभी भी मरीजों की सेवा कर रहे हैं और कोरोना होली जैसे त्यौहार को नजरअंदाज कर रहे हैं। होली मनाना चाहिए, आप अपने घरों पर मनाएं, इस तरह की सार्वजनिक होली से परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर इस तरह की तस्वीर लगातार देखने को मिलती रही अभिषेक, तो कहीं ना कहीं होली के बाद जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या राज्य में आएगी वो विस्फोटक आएगी, और शायद हो सकता है कि राज्य सरकार को मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ जाए। अभिषेक बिल्कुल, चलिए सत्यव्रत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारे और आपके लिए कितना आसान है ये कह देना कि लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लॉकडाउन कितने लोगों के लिए जीने और मरने का प्रश्न है ये हम बता नहीं सकते, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इस एसी कमरे में बैठ करके मैं और बीच सड़क पे खड़े होकर के आप, हम दोनों अंदाजा नहीं लगा सकते कि लॉकडाउन कितना कठिन है कुछ लोगों के लिए। तो ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, गाइडलाइंस फॉलो कीजिए। संभव है आपके मन में सवाल होगा कि भाई क्या चुनाव जहां पर हो रहे हैं वहां पर कोरोना नहीं है, और हम होली वाले, हम शबे बारात वाले और हम सरहुल वाले, क्या हम लोग ही सारे नियम कानून फॉलो करें? हुजूर, हम आम जनता हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी है। हम नेताओं के जैसे व्यवहार तो नहीं कर सकते। हमें फख्र से कहना है कि हम झारखंडी हैं, हमने सारे नियम कायदों को फॉलो किया है। होली बहुत सारी आएगी, सरहुल भी बहुत सारी आएगी, शबे बारात भी बहुत सारी आएगी। इंसान के इंसान होने का उदाहरण हम लोगों को देना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कई और खबरें आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।